आज के टाइम कोई किसी ने रिस्पेक्ट दे रहा है या ना दे रहा है, पर हम खुद अपने आप ने रिस्पेक्ट जरूर दे सका। जिस तरह के मैं अपने नाम के आगे श्रीमान लगाया करूं, श्रीमान राजवीर, या कहानी मेरी है। तो सब बारिश बारिश होगी थी ये अब का तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, देख भाई मन्ने तो भाभी कत्ती पसंद है, सब कुछ छोड़ आज तो रोक कावण दे और सब का मुंह मीठा करवा दो। जी पूजा सही कह रही है, जब तमने हमारा छोरा पसंद है और हमने थारी छोरी पसंद है तो फिर रोके की रस्म तो आज ही पूरी कर लेनी चाहिए, अगर कोई ऐतराज ना हो तो। ना जी ना, भला नेक काम में देर किसी, हमने क्यों ऐतराज होगा, क्यों सिम्मी की माँ। हाँ जी हाँ, जब सिम्मी थारी हो ही गई तो रोका आज करो चाहे कल करो, क्या फर्क पड़े से। माँ इतनी बिके जल्दी लाग रही है थारे, पहला भाई ने तो आ जान दो, जब तक वो नहीं आ जाता मैं नहीं कर सकती ये रोका। के बात से सिम्मी बेटा, अगर कोई बात से तो मन्ने बता दे, मैं भी तेरे पिता के समान सू। जी ऐसी कोई बात ना है, मैं चाहूँ मेरे रोके की रस्म में मेरा भाई मेरे साथ हो, उसके बिना मैं रोका नहीं कर सकती। चोई साहब इसकी बात का कति बुरा मत मानियो, देखे बचपन ते गैल फड्डे खेले से बहुत गाढ़ा प्रेम से बन भैया का। ठीक है तो जी, कित है वो, बुला उसने। जी कर दिया है मैसेज मने, आता होगा मेरा भाई। अरे लाला जी यो कितने का है? यो 120 रुपए का एक। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कोई पकड़ो उसने, अरे मेरे पीछे लेकर भाग गया। अरे लाला जी इब तो इसने एक के बंदा पकड़ सके है, और किससे के बस की बात कौन है? कौन? राजवीर। मेरे ससुरे बस पेट में पांक होने तो जरूरी था रे इसमें नाम लिखाना। हेलो बेकार में सांस चढ़वा दिए, जूस जास पी लिए, फिर बाजना पड़ गया तो जान आ जाएगी शरीर में। सेठ जी। हेलो। हाँ सेठ जी। राजवीर नहीं श्रीमान राजवीर। हाँ वो बंदा जो पैसे लेके भाजा था पकड़ लिया है मैंने, 4500 रुपए करता आगे ले जाना। 4500 ना भाई, 6500 रुपए थे। कमीशन कौन देगा? कमीशन? हाँ कमीशन है। 2000 रुपए रख लिए है मैंने। अरे भाई सुन सुन, सिम्मी का मैसेज, इतनी जरूरी बात किस तरह भूल गया मैं, सिम्मी तो जान तो मार देगी मैंने। ले वो आ गया। कदम नहीं रख देगा घर ने। क्यों रखूंगा? क्यों रखेगा, कितनी देर से सारे तेरा इंतजार करने लग रहे हैं, मैसेज नहीं मिला गए। ए नेटवर्क इशू था और मैसेज थोड़ा लेट मिला, ठीक है एक जने का हिसाब किताब करने लग रहा था मैं, पर थारे चेहरे की खुशी देखते हुए लग रहा है कि बात पक्की होगी। ए सिम्मी है ना। अच्छा छोरा यो है के? मन तो इसे लाग रहा छोरे का बाबू है यो। चलो मिलते हैं, आओ हम भी देखें जरा किस खेत की मुड़ी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम?
श्रीमान राजवीर। श्रीमान राजवीर जी, मेरा नाम श्रीमान राजवीर है। भाई इबिया रोके की रस्म भी कर लीजा पूरी। कति ठीक कह है सत्य, यो मिलना जुलना तो नहीं चलता रहेगा। और के जे एक बार श्रीमान राजवीर ते भी पूछ लियो, उसने सिम्मी खातर में पसंद भी हो कि नहीं। जी मेरे हिसाब से तो सिम्मी ना पसंद नहीं आए। ना ना भाई, मन्ना तो बहुत पसंद है। अच्छा ले चाची, मैं नुमा तक लवाना चाह रहा था तेरे से, मेरी भाण ने पसंद समझो मन ने पसंद। लो जी इसी बात पे मुंह मीठा करो, लो खाओ खाओ पूरा खाओ। ले चाचा। अच्छा लो जी आप भी लो मोसा। हैं बाबू, इतनी खुशी के मौके पर आप उदास क्यों हो? कल पंचायत में भी जाना से। ओहो बाबू क्यों चिंता करे है, इबा तेरा श्रीमान राजवीर जिंदा है, ले आकर ड्रम में ना बंद करते और तेरे ताई दोसे बेकर रखी से अपने नाम के आगे श्रीमान लाना छोड़ दे और तेरे को सुमन पंचायत लेके आओगी। के बात चौधरी साहब, सब ठीक तो है? आज ही कहे कोई नहीं। भाई आज की यह पंचायत मंगतराम के बेटे राजवीर की बहू सुमन ने बुलाई है और पंचायत का जो भी फैसला होगा वो सबने मान्य होगा। बोल बेटा सुमन, के कहना चाहो पंचायत का आगे? कह कहन सुनन नहीं रहा है के सरपंच साहब। मन्ने राजवीर ते फैसला चाहिए बस, मैं इस आदमी के लिए एक और पल नहीं रह सकती। सरपंच साहब मारे ब्याह ने 3 साल हो गए, इस आदमी ने आज ती एक भी टूम नहीं गढ़वा के दी है मेरे ती। सारी अन औरा की मदद करता अंडे जा से, कदे किसी के बालका की स्कूल की फीस भरे से, कदे किसी के छोरी के ब्याह में पजेब दे का आवे से, मेरी तीसने कदे कोई फिकर नहीं। सुमन किसने कही तेरे ते अकमन तेरी फिकर ना है? भावड़ी बहुत घना प्यार करूं मैं तेरे ते। रही बालका की बात, जब अपने बालक होंगे ना कोई कमी ना छोड़ू उन खातर में। बालक होंगे सरपंच साहब, जो आदमी तड़के तसांती फलोरे मारता अंडे जा, जिस आदमी की तड़के तसांती कोई खोज खबर नहीं हो और घर आके मुंह पाड़ के पड़ जा, वो बालका की कह लाग रहा है। सरपंच साहब मन ने फैसला चाहिए बस। तो सरपंच साहब करो फैसला, मन ने भी पेंशन लेने जाना है। अरे वो चाचा टिक जाने, पेंशन लेने जाना है? अरे मेरी बहू छोड़ के जान लग रही है, तने पेंशन की पड़ी है? पेंशन तो दोबारा मिल जाएगी, बहू मिल जाएगी दोबारा। दोबारा मन ने मेरे हिसाब का छोरा टो लिया है। पर सुमन तू मेरा पेंडा छोड़ दे, तू अपने राजी और मैं अपने राजी, जय तने एक पल भी मेरे ते सच्चा प्यार करा है ना तो चला जा मेरी जिंदगी ते। बेटी सुमन। बाबू सुमन ने कह दी तो कह दी। सुमन आज पाछे श्रीमान राजवीर तन्ने अपनी शिकल नहीं दिखाऊगा। भाई दोनों पक्षों की बात सुनके पंचायत ने यो फैसला किया है कि राजवीर और सुमन का आज से कोई रिश्ता नहीं है और ये पंचायत यही खत्म होती है। चलो अपने अपने घर। सुमन चलो भाई, चलो चलो भाई। अरे वो चाचा हो गया राजी? हैं इबलिया पिल्सन तेरी? इब ले लूंगा पिल्सन। अरे 5-4 कप चाय बना ले तू। ठीक है भाई जी, मैंने जो करया वो कर लिया है। ठीक भाई 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 ताओ ताओ भाई जागवीर देख ताओ की क्यों हो गया बाबू? क्यों हो गया भाई बाबू? बाबू क्यों है बाबू? चाचा भाई मैं गाड़ी ले आऊंगा। सत्य गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरा आखिरी टाइम है ना भाई। नहीं बाबू तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा श्रीमान राजवीर तेरा कुछ नहीं हो सकता बाबू। अरे बंद कर, श्रीमान राजवीर के इस राग ने बंद कर। अरे तूने चैन ते मैं जीण नहीं दिया, कब तक अपने चैन ते मरते लेते? ना भाई देते कितनी बार कही अपने नाम का श्रीमान मत लगाया कर। अरे
तू काम ही सा करे ना, या दुनिया तेरे नाम क्या गापड़े आप श्रीमान लगावे। वादा कर तू कदे भी अपने नाम क्या गए श्रीमान नहीं लगाऊंगा। वादा 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 करूं बाबू, कदे श्रीमान नहीं लगाऊंगा। तू काम ही सा कर ना, या दुनिया तेरे नाम क्या गापड़े आप श्रीमान लगावे। वादा कर वादा कर तू कदे भी अपने नाम क्या गए श्रीमान नहीं लगाऊंगा। वादा करूं बाबू, कदे श्रीमान नहीं लगाऊंगा। तूने चैन से मैं छीन नहीं दिया, कब तक अपने चैन से मरते लेते। वादा कर तू कदे भी अपने नाम क्या गए श्रीमान नहीं लगाऊंगा। राजबीर अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ और ये है मेरी जमीन के कागज। ये ड्रामे है, ये के तमाशे कर रहा है भाई, क्या आफत आएगी तेरे पे? आफत नहीं चाचा, बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद। अच्छा, क्या मैं बर्बाद हो गया चाचा? किस खातर जीऊ मैं, घर खाण ना हो मैंने, मेरे मां ने बाप ने हमरा ये भाई तेरे चाची इस हमने खा रहा क्या हूं मैं। जब मेरा बाप मरा था ना तो सारे गांव के बूढ़े इकट्ठे होकर आ गए और मेरे सर पर हाथ धर के बोले, राजबीर चिंता ना करे हम रहे तेरे बाप। और जब मेरी माँ मरी तो सारे गांव के लोग आई इकट्ठी होकर आ गई, बोली भाई हम देवांगे इतना माँ का प्यार, पर भरी पंचायत में जब मेरी लुगाई छोड़ के चली गई तो मजाल है गांव में एक भी लुगाई आगे आई हो और किसी ने एक बार भी कहा हो कि चिंता ना करे मैं बनूंगी तेरी लुगाई। राजबीर बेटा न्यू लुगाई ना बने, अगर लुगाई मिलने संजोग ते और तेरे संजोग ते मिल भी लिए और टूट भी लिए। बेटा बेरा ना तेरी किस्मत ते कित बाजरी से। भाग गुनु भाग। हाँ मम्मी। बेटा ये गुंडे हैं, असली वाले गुंडे। हाँ असली वाले गुंडे, भाग बेटा भागो मम्मी। फिर तो बॉस बॉस सूटकेस तो हमने छीन लिया, फिर हम भाग क्यों रहे हैं? सूटकेस सूटकेस, बात सूटकेस की नहीं है, जान लेने का कौन देखता है? अरे पकड़ो उसे। ए बॉस तुम तो भागो। मम्मी जाने गई ना। नहीं मम्मी जाने दो हमें।
हाँ भाई बदमाशो, सोचा तो नू था चुबारा बनाइए और साथ साथ फर्श भी पक्का करवा लिए। टहला की बात करना आया था मैं आड़े, पर तुम किसी का चुबारा थोड़ी बन दोगे। रहो लिगाड़ ले आड़े थे बेटे, तो तुमने लिगाड़ के लिगड़ूंगा। मैडम जी, आप इस बच्चे ने लेकर जरा साइड हो जाओ, इन्हें मैं देखूं। ओ हेलो, ये मेरी मम्मी है। तुम मन्ने कब कही है मेरी मम्मी है? हाथ छोड़ो। ओ सॉरी, दिख रहा बच्ची है, वायलेंस करता है, बदतमीज बच्ची है, डर जाएगी। मैडम जी आपको ट्रेलर दिखाते हैं। या। पीछे दवार कर। वैसे मैडम जी एक बात कहूं, घर तक थोड़ा ध्यान तो निकलना चाहिए, भरोसा थोड़ी आजकल किसी का। टाइम तो आना चाहिए, टाइम तो जाना चाहिए। हाँ वैसे जाने तो याद आया, आपने जाना कहाँ है? यही तो नहीं पता। नहीं पता मतलब? मतलब ये कि हम लोग घर से भागे हुए हैं, बदमाश हमारे पीछे पड़े हैं। आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं हम लोग जिंदा बचते या नहीं। हाँ अब समझ में आया, दुखिया हो। ओ हेलो, हमें दुखिया नहीं कह दोगे? तुम्हें नहीं पता हम बहुत अमीर हैं। बस कर गुन्नू, बच्ची है जी, कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं मैडम जी, पर कोई ना कोई बात तो जरूर है। छिपा रही हो? अब आपसे क्या छुपाना, आपने तो हमारी जान बचाई है। बाकी सच्चाई तो ये है, फिलहाल हमें मदद की बहुत जरूरत है, पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बस तो फिर आओ मेरे साथ मेरे घर पे, जब पता चल जाएगा कहाँ जाना है आपने छोड़ाऊंगा। लेकिन 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 कुछ नहीं मैडम जी, बस अब तो आ ही जाओ। आपका नाम? जी मेरा नाम श्रीमान। वाता कर तू कदे भी अपने नाम क्या कर श्रीमान नहीं लगाऊंगा। वाता करूं बाबू, कदे श्रीमान नहीं लगाऊंगा। जी राजबीर, राजबीर आपका नाम क्या है जी? सारा। हाँ जी नाम तो सारा है, बताओ आधा क्यों? जी मेरा नाम सारा है। बस तो फिर सारा जी आओ मेरे पीछे पीछे। राजवीर
सूटकेस कौन उठाएगा? जी मैं ही उठाऊंगा जी। नखरा बहुत है छोटी में। राजवीर कितनी दूर और भागना पड़ेगा? मैडम जी वैसे तो यहाँ 100-200 मीटर का स्टार्ट हो जाए है, पर आज तो आधा किलोमीटर भाग लिए, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने लगा इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो अब क्या करेंगे? बस देखते हैं कोई। अरे मैडम जी ऑटो आने लग रहा है, उससे चलते हैं। खड़ी भी नहीं हो रही जी। ऐठ में है प्यार ही इतना है। अरे स्टार्ट हो जाती तेरे भाई चल पड़ते, इतना ही प्यार दिखा रही है। ले सूटकेस मेरे तो दे जी। आओ जी मैडम जी, आओ आओ जी मैडम जी बैठो। राजवीर मुझे नहीं बैठना इसमें। अरे छोटी मैडम क्या हुआ? बहुत गर्मी है उसमें तो ऐसे भी नहीं है। अरे छोटी मैडम ये ऑटो है, इसमें ऐसी नहीं होता, चारों तरफ से खुली हवा लगेगी। लगे राजवीर ने ब्याह कर लिया। नहीं 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 मुझे नहीं बैठना इसमें, मुझे ऐसे चाहिए। हेलो सत्ते, अरे राजवीर ने ब्याह कर लिया और बाल का सुधा बहू लेकर आ रहे हो। बुरा मत मानना जी, इसको एसी की आदत पड़ी है। एसी की आदत पड़ी है। चलो जी ढूंढते हैं कोई ना कोई जुगाड़। ओ मम्मी आराम तो कर लेने। आराम तो कर रही हूँ बेटे। अरे तुम अड़ बैठी छो, सारे घर में ढूंढ आया, तैयारी करो, राजवीर ने ब्याह कर लिया। राजवीर ने ब्याह कर लिया? किसी ने मजाक करी होगी। मेरे तो सत्य ने बताई है और वो कदे झूठ नहीं बोलता। कोई बात नहीं, घर में रौनक हो जाएगी, उसकी पीढ़ी चल जाएगी, बालका का मुंह माथा देख लेंगे। बालक तो गैले गान लाग रही है। मैं माने नहीं सकती पापा, इसी कोई बात होवे तो राजवीर सबसे पहला मन ने बतावे। ये बावली बेटी बात तो न्योस है, तुम स्वागत की तैयारी करो। आप राजवीर से बात क्यों नहीं कर लेते फोन पे? या बात भी ठीक कैसे? पापा अगर थारे जचेरी है ना तो फोन मत करो, अपा राजवीर ने सरप्राइज देवांगे। या भी ठीक से। सुनो रे बाजा ऐसा बाजना चाहिए अकुमारे छोरे नर बहु ने भी बेरा लागे, सारा परिवार स्वागत में खड़ा। अरे मारी बहु ने भी तो बेरा लाग गया, क्या हम अपनी बेटी से कितना प्यार करे हैं। आओ जी समझ में आ गई, कसूता बाजना चाहिए। अरे अपना अरे भी आगे, अरे बजाओ 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 बजाओ, अरे शाबाश। राजवीर ये सब क्या है? ये सब का तो पता नहीं मैडम जी, पर जब जब मेरी जिंदगी में ढोल बजा है ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। गड़बड़? ढोल तो खुशी में बजता है। न्यू तो मेरे घराले प्यार भी बहुत करे हैं मैडम जी, महीने में एक आध बार ढोल तो बजवाते ही रहे। आओ इन्हें बंद कर लेना मोसा, तेरे तलक तक नहीं पड़ेगी। ले भाई मुंह मीठा कर, मैंने तो बताया भी नहीं और सीधा भाभी ने कर ले आया। भाभी ने कर लिया मतलब? भाई घना छुपया रुस्तम लिखड़ा राजवीर, बहु भी इसी ले आए से जो जा जाम लाग रही हो। ये क्या आगर हूं ने ये रोस्टे सा। चाचा मेरी बात तो सुनो। बात बाद में, पहला जमकर नाचांगे बहु घर माई से। बजन दो रे, बजाओ रे। अरे बंद करो, बंद कर ले मोसा, तेरा ड्रामा खत्म नहीं होता मेरे यारो। जी साथ हम सोचने लग रहे हो इसी कोई बात ना है, और तुम भी मेरे यार कितने उठा के मुंह आगे ले उधारे पीछे, जाओ भाई जाओ।
जाओ। मैं कह ला रहा हूं दादा साहब की मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हां भाई, इसका मतलब तने ब्याह नहीं करया? चाचा मैं ब्याह करता तो थार तो नहीं बताता। ये कौन से फिर? ये तो बिचारी दुखिया है। राजवीर मैंने कहा था ना दुखिया नहीं बोलना। अच्छा मेरी माँ, सॉरी गलती होगी, आगे तो नहीं बोलूंगा। ठीक है। ये कौन से फिर बेटा? चाची कोई परेशानी है, इतने ये अपने साथ रहेंगे। बेटा कोई सी उसी बात तो नहीं से? अपना भरोसा है ना मेरे पे? बेटा के तो मना अपने बड़े भाई पे भरोसा था के बस तेर पे इसे। चलो रे आ जाओ भीतर के मैं खाइयो पियो। आ जा बेटा। चलो चलो मैडम जी, घर है मेरा ही। अरे बेटे बाजे वाले, रात ना तेरे घर ना घुस के तेरा पिटाई नहीं कर दी ना, मेरा नाम राजवीर नहीं। भीतर 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 आग लाग रही है चाचा। यो साला गांव में होने के लग रहा है। राजवीर की बहू उसने छोड़ के चलेगी और वो ब्याही ओढ़ अपनी छोरी ले लेके उसके साथ रहने आ गई। चक्कर समझ में नहीं आ रहा चाचा, बिन फेरे हम तेरे। अरे यो तो खुशी की बात है भाई, पर उसने लड्डू नहीं खुआए। उससे खुशी में तो थोड़ी सी खुशी मैं छीन लूंगा चाचा, और रही बात लाडवा की, वो मैं खुआ दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? गन तेरे दिमाग में चाल के रहा है। यो दिमाग के तो खराब है चाचा, किसे ने देख के राजी को न होता। वैसे मैंने सुना है वो शहर ते आई है। राम जाने कड़े ते आई है, पर गुगन एक बात है, वो जब तक गांव में आई है ना, गांव में टेंशन बढ़ गई। अरे चाचा ही मेरा मुंह देखता रहेगा या उसका बेरा भी काटेगा? उसके जन्म बत्री हम काटेंगे। है भाई, फिलहाल तो तुम मजे ले यार। मूड खराब ना करे। राजवीर ये क्या नौटंकी हो रही है? छोटी मैडम इस टाइप का तो कोई प्रोग्राम नहीं रखा हुआ। तो ये क्या है? ओ तेरी क्या? ये चद्दर क्यों खींच दी तुमने? मैडम जी अगर मैं चद्दर नहीं खींचता ना तो लोग पूरी फिल्म खींच के ले जाते। कुछ कुछ बातें बहुत फनी करते हो तुम। और कुछ 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 बातें सर के ऊपर से चली जाती हैं। वैसे एक बात कहूं जी, आपकी छोरी है बहुत खतरनाक। लाड़ प्यार से पली है ना इसलिए। हाँ जी वो तो है जी। वो आपके हस्बैंड? वो हमारे साथ नहीं रहते। वैसे कमाल है जी, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते और मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती। तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा हूँ नहीं जी, शादीशुदा था वो जी छोड़ के चली गई जी। डाइवोर्स हो गया? नहीं जी इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई जी। से डाइवोर्स का मतलब जी? मतलब तलाक। गामा में मैडम जी तलाक ना होते, गामा में तो पंचायत जो फैसला कर दे वही फाइनल हो जी। ले रे। निकड़ू दूध है कहता हो तो पानी मिला दू, कदे तेरी इस मैडम के ना पचे। मैं दूध नहीं पीती। देखो मैडम जी मन ने रख दिया है, मन करे तो पी लेना और ना करे तो मत पीना। बाकी अगर पी लोगे तो मन अच्छा लगेगा।
काली काली आंख आंख में शाही का डोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा उजली उजली धूप रात में उजली उजली धूप रात में गाला पे भोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा चंदन डाली बदन तेरा मेरे रग रग महक समाई रे रात की रानी मन के बन में हिरणी बन मुस्काई रे उड़ती उड़ती जुल्फ घटा उड़ती उड़ती जुल्फ घटा मन पापी हो रहा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा सोने भर के तेरे रूप ने ओ तेरे रूप ने कचड़ा तन कैसी प्यास जगाई रे तपता धूना बदन मेरा मेरे मन ने बस तू भाई रे सुथरा सुथरा कोल गाते हाँ सुथरा सुथरा कोल गाते तेरा रेशम का बोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा देख आराम से लइयो पिलर हैं रख दो आराम से ए शाबाश शाबाश हाँ ठीक राजवीर ये क्या है मैंने तुम्हें एसी लगाने के लिए कहा था छोटी मैडम जो दिखने में देसी है पर गांव का एसी है गधे और घोड़े में फर्क होता है राजवीर गुन्नू ऐसे बात करते हैं राजवीर से तो ऐसे ही बात करते हैं अरे कूलर ठीक भी लगा के कि नहीं सॉरी इसकी बातों का बुरा मत मानना बच्ची है अरे मैडम जी बच्ची है पर अच्छी है वैसे एक आइडिया है जी मेरे पास क्या क्यों ना इसका स्कूल में एडमिशन करा दूं इस बहाने पढ़ भी लेगी और दिन में कुछ टाइम इसकी डांटते मैं भी बच जाऊंगा गांव में कोई स्कूल है हाँ है ना मैडम जी गांव में एक नंबर का सरकारी स्कूल है सरकारी अरे मैडम जी उससे तो पढ़ के कोई हलदार लाग रहा है कोई कर्नल लाग रहा है बड़े बड़े अफसर लाग रहे हैं जी और खास बात मैं भी उसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ जी हालांकि मैं कुछ लाग नहीं रहा जी तुम भी लग जाओगे अरे मैडम जी क्यों मजाक करो आप भी ईब कहाँ लगूंगा ईब तो उम्र लिगड़गी तो कल चल के स्कूल में ही बात करते हैं जी आओ मैडम जी ए मेरी बुआ स्टार्ट हो जी कदे हमेशा की तरह आज फिर बेइज्जती करा दे ले रे एक बात तो है सिमी के आंधी में टल सके है पर जब भी मैं बाहर जाऊं तू कदे नहीं टल सकती बड़ी माँ हमेशा कहा करती
जब भी किसी शुभ काम खातिर बाहर जावे तो दही खा के जानी चाहिए। अच्छा, तेरे माँ की बात याद है? और के। अच्छा लो जी, आप भी देखा। मैं दही नहीं खाती। अरे राजवीर, किसी मैडम ले आया, ना दूध पीती ना दही खाती। तू नुकर, मैडम ने गुड़ खुआ दे। मैं गुड़ भी नहीं खाती। मैडम जी खा लो, मीठा मुंह हो जाएगा और मन भी अच्छा लगेगा। चलो, किसी के कहने तो खाया। मम्मा, आप हमेशा राजवीर की बात क्यों मानते हो? आए छुटकी सी, तन्ने भी नोट कर लिया। अच्छा सुन, टाइम ते करना आजिए, सामने तेरे खातर खीर बनाऊंगी। ठीक है। वैसे स्कूल कितनी दूर है? मैडम जी होगा कोई 400 मीटर दूर। 200 मीटर में तो आपकी बाइक स्टार्ट होती है। हाँ जी, वो तो है जी। तो फिर 200 मीटर बाइक पे जाके क्या करेंगे? मैडम जी इस बहाने आप बाइक पर 400 मीटर बैठ जाओगे। 400 मीटर कैसे? मैडम जी 200 मीटर तो जाने का और 200 मीटर आने का, 400 मीटर हो गए ना। आओ फिर। मम्मा एक मिनट। क्या हो गया इसको? पता नहीं जी, छोटी मैडम को क्या होता रहता है। ये लो, अब चलो बैठो मम्मा। अरे छोटी मैडम, पार्टीशन तो बहुत बढ़िया बनाया। चलो कोई बात नहीं जी, फिलहाल तो इसने पकड़ो। अरे। और आप तैयार हो जाओ जी बाइक स्टार्ट करवाने खातर। गुन्नू रेडी हो जी? हाँ जी। आओ फिर भागो भागो। नमस्ते मैडम जी। जिस तरह के एडवांस स्कूल में इस बच्चे ने पढ़ाई की है, आई थिंक यहाँ तो नहीं पढ़ पाएगी। क्यों मैडम जी, पढ़ाई तो पढ़ाई हो है जी, दो अक्षर बैठ के या भी पढ़ लेगी। देखो राजवीर, आदमी ना आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? मैं बताऊं, आगे बढ़ना चाहिए। शाबाश बेटा। राजवीर यो है सरकारी स्कूल, ना तो यहाँ पे एसी मिलेगा ना ही प्रोजेक्टर, जिस तेज बच्चे ने पढ़ाई करी है। प्रोटेक्टर जी? मैडम जी ट्रैक्टर तो सुना था जी, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर नहीं, प्रोजेक्टर, न्यू टेक्निक की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी होता होगा कुछ ना कुछ तो। तो मैडम जी यो जो सारा सौदा जो आप बता रहे हो, जिस तक ये बच्ची आसानी से पढ़ सके है, यो कितने रुपए का खर्चा है जी? एक बच्चे खातिर इतना सब क्यों राजवीर? मैडम जी मेरा तो कोई आगे पाछे है ना जी, इसके सारे और बच्चों का भी भला हो जाएगा जी, वो भी पढ़ लेंगे जी, नए तरीके की महंगी पढ़ाई। तो मैडम जी आप यो खर्चा बता दियो मैंने, मैं इंतजाम कर दूंगा जी। ठीक है। नमस्ते मैडम जी। चलो बेटा। राजवीर इतना सब क्यों? मैडम जी मेरा बाबू क्या करता कि जो काम दिल ना अच्छा लगे वो कर देना चाहिए, और यो काम मेरे दिल ना अच्छा लगे। कति शहर बना रख्या है, बाइक पे बैठा के पूरे गांव में फर 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 करता हंडे जा है। बहुत सरी बाड़क था राजवीर, पूरा गांव गवाही देता इसकी सराफत की। अरे चाचा इतिहास गवाह है, हर शरीफ आदमी के बिगड़न के पाछे महिला का हाथ होया करे। ये मैडम आई ना जब तैसा होया है, नहीं तो राजवीर कतई सा नहीं था।
काश जिंदगी यू टर्न ले जा और या ए मैडम मेरी लाइफ में आ जा, फिर देख फिर के रे फिर मैं भी बदल जाऊंगा। चाचा बेरा ना किसी आंख है मेरी, कोई भी तो ना सुहाता। लाला भाइयों है अपना दादा लाई मकान। ए सिमी पानी ला। ले आऊं। ये लो राजवीर पैसा गिन लो। किसी बात करो लाला भाई, भरोसा आता है? भरोसा अपनी जगह है राजवीर भाई, लेन देन अपनी जगह, बाकी मर्जी है आपकी। लो पानी लो। ले पीसे के घर गिरवी रख दिया मैंने। घर गिरवी रख दिया मतलब? ए गणी लाट साहब ना बना कर जा, आता था ना बताइए। आज तक मैंने तेरी कोई बात बताई है पापा आगे जो ये बताऊंगी? ठीक है तो प्रधान जी जाओ अलमारी में रख दो पेशान है। बेरा ना के करता रहे है। एक बात तो बता यार, इस स्कूल में बाप के नाम की जगह तो राजवीर लिखा जाएगा ना? किसी बात करो भाई। अच्छा ठीक है भाई, ओके 6 महीने का टाइम है। कोई बात नहीं राजवीर। राजवीर हाँ जी छोटी मैडम जी। मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो। गुल्लो ना मैडम जी ना। राजवीर तुमने बहुत सर पे चढ़ा लिया इसको, कुछ बेनाम शनाम बोलती रहती है और आज तो हद ही कर दी। मैडम जी आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है। राजवीर ओ राजवीर। हाँ भाई मैडम गल कुछ कहा सुनी होगी के? कहा सुनी ना यार, तो फिर वो अपनी सोरी गल सूटकेस ठाके क्यों जान लग रही है? सूटकेस ठाके जान लग रही है किंग आने? अरे बस स्टैंड कर ले। अरे भाई राजवीर तेरी किस्मत कैसी है, पहली छोड़ के गई दूसरी भी जान लग रही है। अरे वो सुके चुपचाप लगड़ जा, तू वो है ना त्रिबुआ बाजी थी। चल एक किसे की तो लागे करा वाट, अरे मेरे लग रहे हैं फट्टे। अरे क्या बाइक किस्मत में बजा कर फिर बैठना पड़ा है। मैडम जी इस गांव में कोई भी बंदा अपनी मर्जी तो आ तो सके है, पर जावे है गुगन की मर्जी ते। देखो हम पहले ही बहुत परेशान हैं, जाने दो। जान दियो मैडम जी, जब तक आप देखे हो ना गुगन का दिल सिर्फ और सिर्फ आपने चाहे है। जान चुप कर दियो। हाथ मत लगाना मेरी मम्मी को। राबड़ी बिनू कब है मैंने दाता तक खाओ चिरमट्टी सी मेरा मुर्दा बनेगी पकड़ा। गुन्नो गुन्नो कमाल है भाई। तू भी आ गया मरण खातर। मरण खातर नहीं मारण खातर, ना शर्म नाम की चीज तो ना है तेरा गुगन। अरे यह छोटी सी बच्ची है, इसने कदे इस तरफ ना धकेलो हो कदे उस तरफ ना धकेलो हो, खिलौना समझ ली के। थैंक गॉड राजवीर आप तो मैं बात नहीं करना चाहता मैडम जी। हाँ भाई गुगन राम तू बोल। अरे मैं ना बोलूं
मेरे बंदे बोलेंगे, खड़े खड़े देख के रहे हो, मारो इसने। गुन्नू मम्मी, सुनो। अरे चाचा, ये क्या नहीं जाता बुढ़ापे में, जाके एक ओड़ में बैठ जा, दीख मत जाइए दोबारा। मैं उसने समझाई थी, राजवीर बहुत मारा है, बहुत मारा है। जा चला जा। मैं तो जा रहा हूँ। आ तो चला जा। हाँ मैं तो जा रहा हूँ। गुन्नू यहाँ आ जा बेटा। मम्मी नहीं। गुन्नू मम्मी चल चल, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे। माफ कर दे बेटा, प्रभु तुझे बहुत मारेगा। राजवीर सुनो तो। के सुनू मैडम जी, अब तो यह उम्मीद ना थी आप इस तरह चले जाओगे। कल जब गुन्नू ने आप पे हाथ उठाया तो अच्छा नहीं लगा, हमारी वजह से आप काफी परेशान हो रहे हो, यहाँ तक कि आपने अपना घर भी गिरवी रख दिया। मैडम जी जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, पर एक बात का प्रॉमिस करो, इस तरह बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। मैडम जी आपके पास घाघरा वागरा है कि नहीं? घाघरा? घाघरा क्यों? वो जी कल सिम्बी की सगाई है ना, तो घाघरा पहन के ठुमके उमके लगाने पड़ेंगे, आपने हरियाणा है जी। एक काम कहा था तुझे, वही तू कर नहीं पाया। साहब जी बस काम हो ही गया था। तो फिर बच कैसे गई वो? साहब जी हम तो दोनों को मारने वाले थे। दोनों नहीं, सिर्फ वो। अब ये काम मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। उसे मरना होगा।